नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सागर के बीएमसी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे 69 छात्रों को कोविड संक्रमण के दौरान मेडिकल ऑफिसर के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति कर पिछले 3 माह से बीएमसी के कोविड वार्ड में चिकित्सकीय सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन इन्हें इनके एवज में मिलने वाली सैलरी का भुगतान नहीं किया गया, जहां इस संबंध में उनके द्वारा कई बार बीएमसी प्रशासन को अवगत करा, सैलरी नहीं मिलने से होने वाली असुविधा से रूबरू करा, वेतनमान दिए जाने की मांग रखी जा रही है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर संविदा पर नियुक्त सभी जूनियर मेडिकल ऑफिसरों ने देर रात अपनी सेवाएं बाधित कर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। कोविड संक्रमण के दौरान जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से बीएमसी की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और आनन-फानन में इन्हें मनाने की कवायद प्रबंधन और प्रशासन ने शुरू की, जिसके बाद आज सुबह मानवीय आधार पर मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनजर यह लोग वापस काम करने राजी हुए, पर उन्होंने उनके कोविड के दौरान और इंटर्नशिप अवधि का लंबित वेतनमान जल्द नहीं मिलने पर पुनः काम बंद करने का इरादा भी जाहिर कर दिया। इस मामले में बीएमसी प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां इनकी नियुक्ति तो कोविड सेवा के तौर पर कर दी, पर उसकी अपडेटिंग स्वास्थ्य विभाग से दर्ज नहीं कराई गई, जिसके कारण इन्हें मिलने वाला वेतनमान जारी ही नहीं हो सकता, जहां इस मामले में संविदा पर नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर के लाभबंद होने के बाद भर्ती प्रक्रिया से संबंधित डाटा विभाग को भेजा जा रहा है, तो वहीं फिलहाल इन्हें 1 माह का वेतनमान भी दिए जाने का निर्णय हुआ है। डॉक्टरों की हड़ताल की जानकारी से उपजे हालातों की समीक्षा करने नगर विधायक बीएमसी पहुंचे, जहां उन्होंने इन मेडिकल ऑफिसर से उनकी मांगों पर चर्चा करते हुए आश्वासित करते हुए जल्द उनका लंबित वेतनमान मिलने का भरोसा दिलाया है। साथ ही आपदा के समय में स्वयं के हितों को दरकिनार कर मानव सेवा के लिए दी गई सेवाओं पर आभार भी जाहिर किया। इसके पहले वेतन से संबंधित विषय मेरे ध्यान में नहीं आए, नहीं तो मैं इसके पहले भी एक्शन ले लेता आपके डिपार्टमेंटल लेवल में करता रहा भी। एनीवे, अब कभी भी इस तरह कोई मामला आए तो मजदूर 4 लोग मेरे पास आए थे, किसी को जुड़े हैं तो कभी भी इस तरह का कोई इशू आए तो हम फाइनल अब स्ट्राइक करना तो हमारा अधिकार है, लेकिन अंतिम हथियार बनना चाहिए, है ना। उसके पहले भी जितने रास्ते हैं तो हमें खोज लेना चाहिए, उनको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। लेकिन N95 मास्क सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली चलिए, और आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, आई डू माई लेवल बेस्ट, आई नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, क्योंकि सेफ्टी हमारी सबसे महत्वपूर्ण काम है, मैं करूँगा। नहीं, अपना अपना नहीं खाना खाएँ तो आपके पास मैच है ना, हमेशा तो मैच में खाने की क्वालिटी और खाने का सिस्टम है वो ठीक नहीं है क्या? तो खाने से हर इंसान वही सर्व करता है, वही पकड़ता है, पे करना फोन भी है बिग इशू, बात ये है खास तौर से सुनिए सुनिए हो गया,
उन लोगों के लिए खास तौर पर जो आप लोग जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं उनको पैक खाली जाने दो, बाकी डॉक्टर को बाकी जो स्टाफ के लोग हैं ठीक है। तो जो 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 अपने आयुष में काम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन मैं उसकी भी मॉनिटरिंग देखिए। ये लगभग 69 मेडिकल ऑफिसर हैं जिनको संविदा नियुक्ति दी गई थी। विगत 3 माह से वो कोरोना के खिलाफ पूरा जंग में पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे थे और उनको 3 माह से उनका वेतन नहीं मिल पा रहा, तो ये निश्चित रूप से मानवीय नहीं था और उसको लेके उन्होंने अनेक बार शासन को लिखा पड़ी की, लेकिन उनका समाधान नहीं निकल पाया था तो उन्हें विवश होके हड़ताल पे जाना पड़ा। ये निश्चित रूप से गंभीर विषय था, मैंने उसको संज्ञान में लिया। कल मैंने कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन और अन्य अधिकारियों से बात की और तुरंत तुरंत उनकी राशि जो है कल ही ट्रांसफ़र करवाई है। 2-3 दिन के अंदर उनके खातों में वो राशि पहुंच जाएगी। तो मैं उन लोगों ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कल रात को ही ये जो स्ट्राइक थी उसको कटऑफ करने का निर्णय किया। मैं उन्हें बधाई देने चाहता था, उन्हें आश्वस्त करना चाहता था कि उनकी जो सैलरी और स्टाइपेंड का मामला है वो शीघ्र उसका समाधान होने वाला है। और अन्य और छोटे छोटे विषय थे, एक डेलीगेशन कल मुझे आके मिला था PPE किट को लेके और N95 मास्क को लेके, कुछ उनकी संगतियाँ थी, कुछ सुझाव थे उनके, तमाम विषयों पर आज उनके साथ मेरी चर्चा हुई है। और मैंने वो चर्चा के बाद जो कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन है निशांत गड़बड़े जी उनसे बात की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है इस संबंध में वो उच्च अधिकारियों से बात करके और उसका समाधान। खबर समय जगत के लिए सागर से शुभम जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।